ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया भाई? आप कहेंगे चारों ऐसा रिएक्शन, अरे आपका रिएक्शन तो मुझसे भी ज्यादा अजीब होने वाला है। भाभी जी घर पर रह के जो तिवारी जी है ना, जो बनियान बेचते हैं, अरे वो रातों रात सीएम बन गए। ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। और उनका सपना पूरा हो गया, अनीता भाभी, अनीता भाभी उनकी सेक्रेटरी। हे भगवान, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है, देखिए। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि एक ही झटके में सीएम बन गए मनमोहन तिवारी। तो साथ ही उन्हें सेक्रेटरी भी मिल गई मॉडर्न लुक वाली। जी हाँ, सही पकड़े हैं, ये अनीता भाभी का नया अवतार है, जिस हॉट लुक में अब सीएम तिवारी जी की सेक्रेटरी बन गई हैं और इसी रंग में पूरी तरह से रंग भी गई हैं। सीएम साहब अभी 10 मिनट के लिए बिजी हैं, तो आई एम फ्री टू टॉक टू देम। मैं सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हूँ, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बहुत ही काबिल, सशक्त, ईमानदार और बहुत ही कर्मठ मनमोहन तिवारी हैं, और उनकी मैं सेक्रेटरी हूँ। मैं आपको एक्चुअली कल की स्टोरी के लिए भी एक अपॉइंटमेंट लेटर दे देती हूँ। कच्चा बनियान बेचने वाले तिवारी जी चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए? दरअसल मॉडर्न कॉलोनी में असली सीएम साहब दौरा करने आए थे, जिन्हें अनीता भाभी ने जमकर खरी खोटी सुना दी, जिनका साथ तिवारी जी ने भी बखूबी दिया। जनता ने तो आपको ढेर सारा प्यार दिया और अपना कीमती वोट भी दिया, लेकिन आपकी क्या दिया? बदले में आपने हमारे शहर में भुखमरी, महंगाई, खराब सड़कें, बेरोजगारी दी। अभी बहुत सही कर रही है, आपको काम धाम करना नहीं आता, पता ही काम धाम करना नहीं आता। बस फिर क्या था, झाड़ सुनने के बाद सीएम साहब हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने तिवारी जी को 30 दिनों के लिए सीएम की गद्दी पर बैठने का चैलेंज दे दिया। आज से 30 दिन तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पे आप बैठ के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि काम करना किसे कहते हैं। अचानक मिले इस ऑफर से पहले तो तिवारी जी सकपक आ गए, लेकिन जब अनीता और अंगूरी ने उन्हें फोर्स किया तो वो सीएम बनने को तैयार हो गए और बनठन कर माथे पर तिलक लगाकर अपनी इस हसीन सेक्रेटरी के साथ निकल पड़े प्रदेश को सुधारने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।